कलर में एग्जैक्टली सेम किया इन लोगों ने. व्हाट दे डिड, एक रेड कलर लिया उन्होंने, एक ग्राम और रेड डाल दिया उसके अंदर, दैट कलर बिकेम ब्राइट ब्यूटिफुल. और एक ग्राम डाल दिया, मोर ब्राइटर. और एक ग्राम डाल दिया, मोर ब्राइटर. पर एक स्टेज आ गया जहां पे जब उन्होंने नेक्स्ट ऐड किया वो ब्राइटनेस डल हो गया. व्हाई? बिकॉज़ द कलर सेट बॉस, इससे ज्यादा मैं ले नहीं पाऊंगा. नाउ ये जो स्टेप्स थे, दिस वॉज लीडिंग टू अ सैचुरेटेड कलर और अ हाईली क्रोमैटिक कलर, वेरी ब्राइट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्रोमा इज नथिंग बट सैचुरेशन ऑफ कलर. सैचुरेशन कि कहां तक आप वो कलर को ब्राइट कर सकते हो, उसके आगे वो कलर जा ही नहीं पाएगा. एक सिंपल एग्जांपल सोचो आप, पैंटोन कलर्स आते हैं. क्यों पैंटोन कलर आते हैं? बिकॉज कुछ शेड्स ऐसे होते हैं जो CMYK रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. एम आई राइट? क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज उनके मिक्सिंग का जो सैचुरेशन है वो उस पैंटोन कलर से बहुत कम है. इससे जो आप ऑरेंज एक रेड और येलो मिक्स करके एक ऑफसेट में प्रोसेस कलर के साथ बना सकते हो, वो ऑरेंज का जो क्रोमा है वो एक पैंटोन के ऑरेंज के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग द फंडामेंटल ऑफ सैचुरेशन? इज इट क्लियर? नहीं समझा? यू वॉन्ट टू क्लैरिफाई फर्दर? यू वॉन्ट टू क्लैरिफाई फर्दर कि समझ गया? समझाने में आई डेंट गेट. यू वॉन्ट मी टू रिपीट? परफेक्ट. हर एक कलर का मिक्सिंग का एक लेवल का कैपेसिटी होता है. डू यू एग्री ऑन दैट पार्ट? कोई भी चीज का, अगर मैंने आपको बोल दिया भाई तू आ जा यार, तू पतला है सबसे, इधर आ जा. आई विल गिव एग्जाम्पल्स ऑन माई ओन पीपल, वेदर यू अदर्स यू फील बैड अबाउट इट. अब मुझे देखिए आप, बहुत हट्टा कट्टा दिखता हूं ना मैं? परफेक्ट. इसको देखिए आप, अगर हम दोनों के सामने 10-10 गुलाब जामुन रख दिए और कॉम्पिटिशन चालू हुआ, कौन जीतेगा? गलती से भी इधर मत उंगली दिखाना, खड़ा होया सिखाने के लिए आपको याद रखना. कौन जीतेगा? आपको लगता है मैं जीतूंगा? यू राइट, परफेक्ट है. व्हाई? बिकॉज प्रॉब्लम माय कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब इज मोर. इसको देख के लगता है यार लुक्का है यार, कुछ खाता पीता है नहीं बोल के. सो यू फील दैट इसकी कैपेसिटी कम होगी. सो माय सैचुरेशन लेवल विल बी मोर, His saturation level will be less. ठीक है ना भाई, बैठ जा तू. पर फैट में ये मेरे से ज्यादा खाते हैं, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं यार, और कुछ नहीं है. ठीक है, द सेम थिंग happens. हर कलर का एक सैचुरेशन लेवल होता है, और जैसे आप कलर को एड करते जाते हो, कलर बिकम्स मोर एंड मोर ब्राइटर. नाउ इफ आई गो टू दिस ग्राफ ओवर हियर, दिस ग्राफ, दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस पॉइंट द इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पे कोई कलर नहीं है, इट इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट. यहां पे इस पॉइंट पे कोई कलर नहीं है, इट इज प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट. बट एज आई गो फ्रॉम हियर टू दिस टिप, द कलर एट द टिप विल बी द मोस्ट ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल. The color at the tip, whether it is this tip or here or here or here or here, anywhere, that's the brightest color that can be reproduced. और जितना आप इसके नजदीक आते जाओगे उतना वो color dull, 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 and then it'll lose its color and what remains is only black and white. ठीक है? Now, how is C calculated? Very simple, Pythagoras theorem. स्कूल में मैंने स्कूल से निकल गए, भूल गया, मैं भी भूल गया था. अब ये आने के बाद मैंने वापस पढ़ने चालू कर दिया. वेरी सिंपल, सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आई नीड टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ओवर हियर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द स्क्वायर रूट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी दैट यू गेट. तो सी भी ए और बी से ही फाइंड होता है. क्लियर? सो दैट्स योर वैल्यू ऑफ सी. तो अगर आपके पास LAB आ गया तो आप A वैल्यू लीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, B वैल्यू लीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए, जो वैल्यू आएगा इज द वैल्यू ऑफ क्रोमा.
So in short, if you get a value of chroma 10, is it bright or dull? Logically. Dull, na? Zero ke nazdik hai na yaar. So 10 ka kya matlab ho gaya? Yaar, color dull hai. Wohi value aapko 90 aa gaya. Bright. Simple number. Zero is black or dull. 100, let's take as a point, is very bright. The same fundamental applies for C. Clear? Good. Most important. We talk about whip-jaw. Whip-gear, jaw, whatever you call it as. This is your whip-gear. This is called as U. H-U-E. U. U is the basic tone of the color. Basic tone of the color. U determines ki aap kaun sa color hai. Ye blue hai. Ye blue kis liye hai? Because ye color jo hai, wo blue U mein padta hai, isliye wo blue hai. U is an angle. U is an angle. 10 degrees, 20 degrees, 350 degrees, 280 degrees, 290 degrees, 210 degrees. It is degrees, it's an angle. This is 0, 90, 180, 270, 360. And these are the divisions of the color. Again a thumb rule. Again a thumb rule. Just blindly follow it. Any red color that you measure, any red color on the earth available that you measure, uski jo value aayegi aapko h ki, small h ki, u angle ki, will be between 350 to 35 degrees. 35 to 70 will be orange. 70 to 105 degree will be yellow. 105 to 195 will be green. 195 to 285 will be blue. And 285 to 350 is basically violet and indigo. Yeah? So, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. That's whip-jaw. Clear? Simple? Simple angles you have to by heart. Isme aur kuch nahi sochna hai aapko. Isse kya hoga? Jab aap instrument ko use karoge, the moment you see the H value, even if you have not seen the color, you still know what color it is. Agar aapko digital value mail pe aage, value of the color is L60 C80 and H38. What color it is? 38. Sabse pehle aapko kya strike hona chahiye? 38. H ka value 38 hai. 38 kahan pe aa gaya? 38 yahan pe aa gaya. It's an orange. Dead sure it's an orange. But it's an orange with a red tone. Agreed? Why? Because it's closer to red, no? Orange is so big. Orange goes from 35 to 70 degrees. One side is red, the other side is yellow. So orange can also have a value of say 65. It's still on our orange. But an orange with a yellow tone. So H gives you very precise value of your color. Exactly what is the basic color? Kya tone hai us color ka? Kaun se range mein wo color aata hai? Har cheez aapko pata chalti hai us H value se. So H is a very important parameter. And normally, LCH, ye jo terminology hoti hai na, jaise LAB ho gaya, LCH. LCH bahut regularly use hota hai pigment industry mein, pigment industry. जो पिगमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर जो इंक बनाते हैं उस पिगमेंट्स को लेके वो काफी LCH यूज करते हैं बिकॉज़ उनको बहुत क्लोजली उनका लॉट टू लॉट चेक करना होता है सो LCH बिकम्स अ मच बेटर टूल फॉर देम सो इफ फॉर एग्जांपल लेट्स टेक साइन कैन एनीबॉडी गेस साइन कलर विल कम इन व्हिच पार्ट of the circle.
Can anybody walk up over here and point out, please? Can you please, somebody walk up and point out quickly? Approximately, I'm not talking the exact value. Cyan color, you know, na? Cyan, magenta, yellow, black, ka cyan. Okay. Mr. Sahu says it will come here. Do you think he's right or he's wrong? Wrong. Somebody said wrong? Perfect. Don't think. Come. Come. It should be somewhere around here. Nearer to. Perfect. Good. Two good examples. Please wait, sir. Anybody else? Any other theory? Cyan color. Where do you think it will come? Anyone from the student category, please? Anybody can walk up over here for me? Any students who can guess? Nobody? Somebody try here. Koi nahi. Anybody else? Yana sir, tumhi pan yana, pude yana. It doesn't matter even if we are wrong. Okay. Sir says somewhere in this region. You mean to say starting from here or somewhere here? Starting somewhere over here. Okay, perfect. We have three answers. Any more answers? Cyan color. Where would it come? Sir, opposite of red. Matlab ki kevda mota hai to. You're right. It has to come there only because it's blue. I mean, it's a greenish blue. Yeah, you're right. Any more guesses? Okay, let's come to that. A cyan color is made out of a combination of two colors. Do you know that? What two colors? Sorry? Blue and green. Is everybody at the same line? Pakka? Surely? Done? So then for sure, you are wrong. It cannot come here. Perfect, sir? Please. Thank you. Thanks a lot. Okay. Now, we are sure that it comes under green and blue. Ab. Mr. Sahu said, here. Sir said, somewhere in this region. Yeah. Logically, they both could be right. Because every pigment sir, please. Thanks. Both could be right. One could be wrong, other could be right. Why I am saying this? Because different, jitne bhi alag alag manufacturer hai pigment ke, jo ink banati hai cyan ki, unke composition thode alag hote hai, har company ke. So shayad koi cyan yahan pe ho sakta hai, koi cyan yahan pe hoga shayad, koi cyan yahan pe hoga shayad, depending ki wo cyan aapko kitna greener dikh raha hai. Cyan basically red, it's a blue color. But jitna usme green content daloge, wo angle, it'll go towards green. Is it clear? Why I did this example was just to register it here that H value bahut important hai. Agar ek ink supplier, ek H value ka cyan usne aaj banana chalu kar diya, he has to maintain that H value for his life. Usko change nahi kar sakta. अगर वो गलती से भी वो H value उसने चेंज कर दिया even by 5 degrees, उसका धंधा बंद हो जाएगा. Clear? Simple? Good. Very quickly over here. L50, C60, H60. Actually, वो answer आ गया आप, you know, seeing it. Doesn't matter. Actually, it had to come one by one. ओ, घाई में वो सब एक साथ हो गया. L50, dark. C60, good high, yeah? Very far away from zero. So it's going to be pretty, kafi bright hoga color. H60, 60 is orange, right? 35 to 70 orange tha na? To 60 aa gaya. So it's orange. But orange with what tone? Yellow tone. Simple, good. L50, C80, very bright. H220, kidhar aa gaya 220? Blue. What tone? Greener tone. This could be maybe a
220 आप देखेंगे तो कहीं यही आ गया, वो साहू साहब ने जो उंगली डाला उधर ही आ गया वो. प्रॉब्ली इट्स अ साइन कलर, प्रॉब्ली इट्स अ साइन कलर. या गुड. एंड L20, C50, H25, इट्स अ डार्क रेड. फंडामेंटल क्लियर राइट. LCH, क्रोमा एंड ह्यू गुड. सो ऑल योर रेड्स, ऑरेंजेस, ब्राउन्स कम इन दिस क्वाड्रेंट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑल रेड्स, ऑरेंजेस एंड ब्राउन्स, ऑल येलो ग्रीन, ग्रीन्स एंड ऑलिव ग्रीन्स कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ योर्स और दिस क्वाड्रेंट ऑफ योर्स. All your blue, greens and blues, they come under this, not actually greens, but the blues come under this quadrant. Blues, violets, deep reds in the fourth quadrant. Once you have the LAB of your standard and sample, we need to find out the difference, right? Hum do value likhe kya karenge uska? Kya karenge? I mean, aapke paas ek standard ka value aa gaya. एक सैंपल का वैल्यू आ गया, उसको लेके क्या करेंगे आप? आपका फाइनल मोटो क्या है? ये दिखाना या ये फाइंड आउट करना कि दोनों में कितना डिफरेंस है. एम आई राइट? दैट्स योर फाइनल एम, कि दो कलर में कितना डिफरेंस है, ताकि हमें ये पता चले कि वो मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है. दिस इज द सिंपल इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है बेसिकली हम लोग जो दिखा रहे हैं यहां पे इज LABCH ऑफ सैंपल माइनस LABCH ऑफ स्टैंडर्ड. जब आप करते हो आपको जो वैल्यू मिलते हैं वो है बेसिकली राइट. डी मींस डिफरेंस. इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ ट्रायंगल. ओके, आप कहीं शायद इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रायंगल देखेंगे, कोई बुक्स में आप डी देखेंगे, इट मींस द सेम. ठीक है ना? आप कंफ्यूज मत होइए उसके अंदर. सो जब आप सैंपल माइनस स्टैंडर्ड करेंगे एल का, तो डोंट यू थिंक एल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, दिस इज 50, दिस इज 20, द डिफरेंस इज पॉजिटिव 30. बट अगर ये 20 और ये 50 है, आपका वैल्यू है नेगेटिव 30. राइट? सो एल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए ऑल्सो विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, और बी भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा. Because दोनों में पैरामीटर नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे. नाउ जब डिफरेंस दोनों में पॉजिटिव होता है, देन आपकी कलर जो है, सैंपल जो है, सैंपल हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को स्टैंडर्ड में से माइनस कर रहे हैं. राइट? सो जो आंसर आएगा वो ये बताएगा आपको कि आपकी सैंपल आपके स्टैंडर्ड से कितना दूर है या कितना नजदीक है. आपका सैंपल आपके स्टैंडर्ड से कितना दूर है या कितना नजदीक है. अगर आपका डीएल पॉजिटिव आता है तो आपका सैंपल आपके स्टैंडर्ड से लाइटर है. अगर डीएल नेगेटिव आता है तो आपका सैंपल आपके स्टैंडर्ड से डार्कर है. अगर आपका ए वैल्यू डीए पॉजिटिव आता है, देन योर सैंपल इज रेडर देन द स्टैंडर्ड. अगर DA नेगेटिव आता है, योर सैंपल इज ग्रीनर देन द स्टैंडर्ड. इज द सेम फंडामेंटल दैट यू डिड फॉर LAB, AB, सेम फंडामेंटल. सिर्फ यहां पे, वहां पे कैसे था, L मैक्सिमम वॉज 100, द मिनिमम वॉज 0, नो नेगेटिव वैल्यू. पर यहां पे बाय द वर्च्यू ऑफ द डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव फीचर आ जाता है DL वैल्यू में, बाकी सारा फंडामेंटल रिमेन्स द सेम. ठीक है? B वैल्यू पॉजिटिव येलो है, योर सैंपल इज येलो. बी वैल्यू नेगेटिव, योर सैंपल इज ब्लूअर. नाउ वेन एवर यू विल कम्युनिकेट कलर, जब भी आप किसी को कम्युनिकेट करेंगे कलर कि स्टैंडर्ड और सैंपल में क्या डिफरेंस है, आप हमेशा उनको तीन वैल्यू के साथ कम्युनिकेट करेंगे. डिफॉल्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम विद थ्री वैल्यूज. आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ रेड और डार्क और रेड था यार मेरा सैंपल. नहीं, डार्क रेड और येलो और ब्लू में से भी तो कोई फंडामेंटल आएगा उसके अंदर. थ्री क्वाड्रेंट्स, थ्री एंगल्स, थ्री एक्सिस, सॉरी LAB. सो योर आंसर विल बी, माय सैंपल वाज लाइटर देन द स्टैंडर्ड
redder than the standard and bluer than the standard, then your answer is complete. Three axes. आपका आंसर हमेशा थ्री एक्सिस में आएगा, थ्री पार्ट्स. यू हैव टू आंसर लाइट डार्क में कौन सा था, रेड ग्रीन में कौन सा था, येलो ब्लू में कौन सा था. क्लियर? परफेक्ट. सो योर एग्जांपल ट्रायल स्टैंडर्ड, इसका एलएबी वैल्यू ये है, इसका एलएबी वैल्यू ये है. माइनस करने के बाद व्हाट यू गॉट वाज डीएल पॉजिटिव 0.5, डीए पॉजिटिव 1.45 and DB negative 3.35. So what is the answer? Lighter, lighter, redder. It's positive, na? Redder. Negative is blue. So lighter, redder, bluer. ये गलत लिखा है मैंने. Is it wrong? What I've written? I don't know here. Less yellow, bluer, more blue. Less yellow कैसे हो सकता है? ए पर आंसर तो bluer है ना, तो less yellow कैसे आ गया? Is it wrong? Is it wrong? Why it's not wrong? क्यों wrong नहीं है ये? अरे answer तो blue है, it's bluer. The absence of yellow is what makes bluer. It's very simple यार. Half glass empty, half glass full. Same funda है. अगर shade bluer है, तो less yellow हो गया ना? Axis तो वही है. अगर शेड इस तरफ जाती है तो ये कम हो गया ना. प्लीज अंडरस्टैंड द फंडामेंट, इट्स द सेम. मोर ब्लूअर इज लेस येलोअर, मोर येलोअर इज लेस ब्लूअर. व्हाई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली. व्हाई आई रोट नॉट ब्लूअर बट लेस येलोअर? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ऑलवेज एज अ थंब रूल, ऑलवेज as a thumb rule, look at the A. आपका जो A और B है standard का, standard का A और B जो है, उसका आप direction जरूर देखिएगा. अगर आप standard में direction देखेंगे, आपका standard का red और green का direction red में है, और yellow और blue का direction में क्या है? येलो में है. राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेड था इज अ येलोइश रेड. ये जो रेड है वो येलोइश रेड है. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? फ्रॉम द वैल्यूज, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? नो आंसर. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? बी वैल्यू इज व्हाट? पॉजिटिव 17. अगर आप वो प्लॉट देखेंगे, पॉजिटिव 17 कहां पे आएगा? येलो में आएगा ना. सो ये जो रेड है आपका इज बेसिकली अ येलोइश रेड, येलोइश रेड. अगर ये शेड येलोइश रेड है तो आपका यहां पे मोर ब्लूअर कैसे हो सकता है? आंसर, जिस डायरेक्शन में आपका कलर है उसी डायरेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए. अगर यहां पर यह नेगेटिव 17 होता तो शायद मैं यहां पे ब्लूअर लिख दिया होता मैंने, बिकॉज ब्लू ब्लू. बट सिंस माय स्टैंडर्ड इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ बी, तो मेरा आंसर भी उसी टोन में आएगा. नो डाउट वैल्यू आपकी ब्लूअर आ रही है, बट आपको लिखना है लेस येलो. व्हाई? बिकॉज ये दोनों ही उसी रेंज के है, दोनों में येलो है. येलो और ब्लू एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, दे आर टू पोल्स अपार्ट. कैन येलो एंड ब्लू कम टूगेदर? इम्पॉसिबल. आर यू गेटिंग दिस फंडामेंटल? इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट. ओके.
a delta E of 0.2, delta E. Delta E, E, oh, 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 oh. I think I missed a slide. Okay. CIE, after finding all these things, came out, unhone ek equation nikal diya, called as CIE 1976. Maine actually pehle usko ek slide mein mention kiya hua hai. CIE lab 1976. 1976 में उन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया और दे केम आउट विद द इक्वेशन CIE लैब 1976 डेल्टा ई. डेल्टा ई इज द टोटल कलर डिफरेंस. अब हमने ये तीन वैल्यू तो निकाल दिए पर इसका भी एक तो टोटल निकालना जरूरी है ना. एक सिंगल वैल्यू, वो वैल्यू था समथिंग कॉल्ड एज डेल्टा ई, डी कैपिटल ई. I'm sorry I missed the slide, but CIE 1976 mein DE was calculated as DL square, DA square, DB square, all plus. So DA square plus DB square plus DL square and the whole square root was delta E CIE lab 1976. Clear? इक्वेशन आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, अंडर स्क्वायर रूट डीएल स्क्वायर प्लस डीए स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर. दैट वाज टोटल कलर डिफरेंस डेल्टा ई वैल्यू. और ये टोटल कलर डिफरेंस जो होता है अगर 0.2 के आसपास होता है प्रोबेबली योर आई कैनॉट सी द कलर डिफरेंस. इट्स सो माइन्यूट कि आपके आंखें उस कलर के डिफरेंस को नहीं देख सकती. और जितना 0.2 से दूर चला जाएगा यू कैन सी द डिफरेंस मोर एंड मोर. सो 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको कलर डिफरेंस ज्यादा दिखेगा उसके अंदर. अंडरस्टैंडिंग कलर एल ए बी डेल्टा ई. नाउ लेट्स मूव टू द इंस्ट्रूमेंट पार्ट. ओके, आई वेरी क्विकली टच अपॉन टू थिंग्स, डेंसिटोमीटर्स एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स. ये हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता है इंडस्ट्री में कि डेंसिटोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है. ओके, लेट्स फर्स्ट टच दोनों इंस्ट्रूमेंट में क्या कंपोनेंट होते हैं वेरी क्विकली एंड देन आई विल टेल यू द डिफरेंस. अ रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर विल हैव बेसिकली अ लाइट सोर्स विच इज एविडेंट वी स्पोक बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है बेसिकली आपकी आंखों को रिप्लेस करता है. राइट, तो जिस तरह से आप कलर को देखते हो इंस्ट्रूमेंट में भी तो वही फंडामेंटल होना चाहिए. लाइट सोर्स होना चाहिए, सब्सट्रेट होना चाहिए और आंखें होनी चाहिए. राइट, सेम द सेम अप्लाइज ओवर हियर. लाइट सोर्स, इट्स एन इल्यूमिनेशन एंगल, सम ऑप्टिक्स, द फिल्टर एंड द रिसीवर. द रिसीवर इज योर ब्रेन. क्लियर, एंड इट कुड गो समथिंग लाइक दिस. यू सी टू लैंप्स ओवर हियर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. But maybe you can forget one. एक आप भूल जाइए. Light fall होता है आपके substrate पे गिरता है. Your substrate absorbs color and a part of it is reflected back. ये जो light जो reflect होता है back, आपके जो filter होते हैं densitometer में filters होते हैं red, green and blue. Color के हिसाब से these filters move. और जो color है वो कलर जब रिफ्लेक्ट होता है इट गोज टू द राइट फिल्टर एंड गोज टू द रिसीवर. और इंस्ट्रूमेंट आपको बताता है कि ये कलर जो है ये मजेंटा है और उसकी डेंसिटी इतनी है. ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डीप ऑफ डेंसिटी कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग बिकॉज इट विल बी टू डीप. बट डेंसिटोमीटर का इतना ही काम है, आप इंस्ट्रूमेंट को रखो, प्रेस करो, लाइट सोर्स फ्लैश होगा, लाइट सोर्स विल फॉल ऑन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कलर के हिसाब से विल एब्जॉर्ब कलर एंड रिफ्लेक्ट कलर. द कलर जो रिफ्लेक्ट होता है वो फिल्टर से गुजर के, रेड ग्रीन और ब्लू के फिल्टर से गुजर के जाता है रिसीवर में, जो आपको चेक करके ये बताता है कि वो कलर कौन सा है. ऑन द इक्वेशन में जब वो इट व्हेन इट गोज इनटू द इक्वेशन आपको डेंसिटी वैल्यू मिलती है या डॉट गेन का वैल्यू मिलता है, जो भी है वो.
spectrophotometer. It's very close or very similar to what a densitometer is. Light source, illuminating conditions, monochromator. Wahan pe filter tha. Remember, filter. This is monochromator. Detector is same as receiver. ठीक है ना? The biggest difference दोनों में जो है वो यही है. Monochromator and filter. You get the difference? Filter. Now, दोनों के usage क्या है basically? Okay, does anybody know what is a densitometer used for? Other than the people from the industry, or the professors, please. But can anybody else give it a try? What is a densitometer? Any idea aapko? Kuch bhi, whatever you can think about. Measure the? Okay. Anything else? Densitometer. What is a densitometer? Sorry? Measure density of thing. Wonderful. Good. Anything else? Yes? Sorry? Opacity, yes. I think sir also gave the same answer over here. Anything else? Perfect. Perfect. Absolutely perfect. Measure? Perfect. Absolutely perfect. Anything else? Measure chroma. Very good. Fine. Some new angle to a densitometer. Anything else? Yes. अरे तेज झालं ना सगळे density वर फिरतायत. Thanks for the answer. Anything else? हे म्हणतात ना ते same product, वेगवेगळं packaging. कली बात केली ना आपण. Density ला product घेऊन सगळ्यांनी वेगवेगळं packaging केलं त्याचं. Okay. Anything else? Ink thickness. It's again density. New packaging. Thank you. Okay, coming back to the point. A densitometer is an instrument which is used to measure, as everybody mentioned, density, dot gain, of dash. Densitometer is an instrument used to measure features like density, film thickness, whatever, density, dot gain, of, dash, colors. Colors, it has to be colors only. Okay. The bracket is basically what, colors. It will be printed colors only. What printed colors? Okay. A question on your answer. What printed colors? I heard something. Somebody said something over here. There you are. A densitometer. Please register this over here permanently for your life. A densitometer is a device used to measure features like density, dot gain, and few more of process colors. What are process colors? Cyan, magenta, yellow, and black. Densitometer is a device used to measure density and dot gain of cyan, magenta, yellow, black. Registered? 100% registered? What's a spectrophotometer? I'll come to your point now. What's a spectrophotometer? Same lines, please. Just push yourself a bit more. You're very close to giving me the right answers and excellent, absolutely excellent. Wonderful. Beyond process color. It's a good start that Prashant sir has given. Next. Wonderful. This is just joking. Anyway, very good point. Any other thought?
हू गिव दॅट आन्सर? हां, सो तुमचा आवाज तो दिसतच नाही मला बोलताना. परफेक्ट. पॅन्टॉन कलर्स, व्हेरी गुड. नो, व्हॉट्स द डिफरन्स बिटवीन पॅन्टॉन अँड CM-YK? मेरी बिली मेरी से मैं आया. गुड गुड. यस, पैंटोन कलर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज CM-YK कलर्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस दोज कलर्स, राइट? सो वी नीड टू हैव अ डिवाइस विच कैन मेजर पैंटोन एज वेल, राइट? अदरवाइज हाउ विल यू कंट्रोल पैंटोन? कैन अ डेंसिटोमीटर डू दैट? नो. आई थिंक वी डिसाइडेड दैट, और इट्स वेरी क्लियर दैट अ डेंसिटोमीटर ओनली मेजर्स साइन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक. What about the blue? What about the green? What about the violet, purple, pink, black? I mean, any special black? So many colors. How will you measure them? They are measured using a spectrophotometer. As I said, the difference is this. What is this? Filter in a densitometer. Filter, three colors, red, green, blue, helps you to calculate cyan, magenta, yellow, black, density, dot gain, and few more features. Spectrophotometer, the comparison I said, the difference is here. A monochromator is basically a very small quartz glass, very high quality quartz glass, which is ruled with laser lines to about 1000 lines per millimeter. 1000 lines per millimeter. This does the work of a filter, which is done in a densitometer, but in a spectrophotometer. Monochromator covers the whole visible region of the human eye. 400 nanometers for practical purposes to 700 nanometers of the visible region. If you remember the first picture that we saw, 400 to 700 nanometers. So now we are coming back to the actual use of that in practical uses. So monochromator is a very small glass tungsten, it's a quartz glass with those rulings and covers the whole visible region of the human eye. While the densitometer only covers three filters. What about the reds, greens, blues and all the other colors? It turns blind eye to it. नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सर पर मैंने ब्लू को अगर मेजर कर लिया डेंसिटोमीटर में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. डेंसिटोमीटर वैल्यू दे देगा आपको, वो बोलेगा भाई ये जो कलर है ना, ये मेरे हिसाब से साइन है. अगर उसकी एक्चुअल डेंसिटी वैल्यू 2 होगी तो वो शायद 1.2 बताएगा आपको, बिकॉज उसका वेवलेंथ ही नहीं उसको मेजर करने के लिए. पर इट विल शो यू सम वैल्यू फॉर श्योर, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको जरूर दिखाएगा वो, पर वो वैल्यू गलत होगा. सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स पैंटोन कलर्स बट ऑल्सो मेजर्स प्रोसेस कलर्स. ऑब्वियस है, बिकॉज मोनोक्रोमेटर आपका पूरा वेवलेंथ रीजन कर रहा है, तो CM-YK भी तो उसी का पार्ट है ना. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर CM-YK को तो मेजर करता ही है, बट उसके अलावा जितने भी आपके पैंटोन कलर्स है उसको भी वो मेजर करता है. इट्स प्लीज write down, engrave it on here. This is the biggest mistake or biggest, I think, no information which is there in the industry. It's only when we talk to the customer they realize that, oh boss, is that the difference? Ye difference dono ke beech mein humko pata hi nahi tha. But now obviously things have changed, kafi change ho gaya, abhi to kafi logon ko pata hai ye baatein. Main baat kar raha hu maybe 5 saal pehle ki, abhi to bahut awareness hai industry mein. But you should know this. Densitometer and spectrophotometer, is the difference very clear? Second big difference. Pehla difference to yahi hai ki densitometer mein sirf cyan, magenta, yellow, black hota hai aur spectrophotometer mein puri range ho jati hai. First difference. Second difference. Aur densitometer mein aap LAB values, delta E values, LCH values, ye aap calculate nahi kar sakte. अगर आपका एप्लीकेशन पैंटोन कलर्स की तरफ है, अगर आप
किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप कंपनी में मालिक है, आप ऑपरेटर है, और आपका काम पैंटोन कलर के साथ होता है, देन बाइंग अ डेंसिटोमीटर ऑफ इज ऑफ जीरो यूज टू यू, बिकॉज डेंसिटोमीटर जो है वो पैंटोन कलर को मेजर ही नहीं कर सकता, मेजर भी करेगा और अगर वैल्यू भी आपको दिया तो वो सिर्फ डेंसिटी वैल्यू देगा, वो भी गलत है। पर आपको पैंटोन कलर को मैच करने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो है LAB डेल्टा ई, जो डेंसिटोमीटर नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करेगा। सो एक स्टेज था जहां पे एक कंपनी में दोनों यूज होता था, तो ही हैड टू बाय टू इंस्ट्रूमेंट्स, डेंसिटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक जमाने की बात करो, आई नो योर एक्सप्रेशन, मेबी अबाउट 10 ईयर्स बैक, दो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया। अब सीएमए के रन कर रहे हैं तो भाई वो सीएमए का मशीन निकाला, मेजर कर लिया। पैंटोन का रन कर रहे हैं तो वो डेंसिटोमीटर अंदर रख दिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर निकाल लिया। बिग पेन, बिग ट्रबल, बट देन दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वॉज। देन केम अ स्टेज वेर इन द टेक्नोलॉजी इवॉल्व गुड इनफ कि दोनों कंबाइन हो गए। आज जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं या जो हम यहां पे है आज, दे आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रो डेंसिटोमीटर्स, स्पेक्ट्रो डेंसिटोमीटर। इसका मतलब क्या है? इट्स बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो है तो स्पेक्ट्रो ही है, मतलब वो पैंटोन भी मेजर करेगा, सीएमआई के भी मेजर करेगा। पर उसमें ये फैसिलिटी दी गई है कि आप प्रोसेस कलर्स के डेंसिटी, डॉट गेन, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? सो टुडेज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रो डेंसिटोमीटर्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज डेंसिटोमीटर्स, बट बेसिकली वो स्पेक्ट्रो डेंसिटोमीटर कहलाते हैं आज के दिन में, ओनली बिकॉज दे कैन डू ट्विन जॉब, वो दो जॉब करते हैं एक साथ। तो उसी इंस्ट्रूमेंट में आपको, आप फोर कलर का जॉब रन कर रहे हैं, आपको सिर्फ डेंसिटी डॉट गेन फाइंड आउट करना, वो करो आप पैंटोन भी रन करें उसी जॉब में, तो उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको LAB मेजरमेंट भी हो जाएगा, डेल्टा ई भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसके साथ। इज दिस क्लियर? हियर इज अ बिग टेक्नोलॉजी अबाउट इट, आई विल नॉट गेट इन टू, आई थिंक वी आर गेटिंग अ बिट लेट। इज डेंसिटोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फंडामेंटल क्लियर? एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में? सी दे मिस्ड इट, नाउ दे डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डेंसिटोमीटर एंड अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जस्ट जोकिंग मैडम, प्लीज। सो इज दिस क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? या प्लीज। और मे बी कैन वी टेक द क्वेश्चन लेटर ऑन, आई डोंट नो हाउ इज इट, आई एम सॉरी, आई थिंक इफ यू कैन नोट इट डाउन सर प्लीज, या आई एम सो सॉरी, लेट्स टेक इट लेटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेंसिटोमीटर अगेन क्लियर? I know we are going towards lunch time, but then it's okay. Hello? Clear? Yes. Good, good. Thank you, thank you, thank you. Now let's move to slight application of these values very quickly, but very important ones. Hamare industry ke liye bahut zaruri hai. To maine kaat chhaat ke, I think I've just taken one application, jo hum day to day life mein bhi bahut dekhte hai. Theek hai na? Okay. Now, kafi baar aapne ye dekha hoga ki aap कोई स्टैंडर्ड और सैंपल देख रहे हैं, ओके? आपने ये लाइट में देख लिया, आई थिंक ये मैंने शायद स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, ये यहां पे देख रहे, पास, वेरी नाइस। उसी स्टैंडर्ड सैंपल को आप बाहर लेके जाइए, आपको लगता है अरे ये तो फर्क दिख रहा है दोनों में मेरे को, कभी आपने, हैव यू एवर सीन दिस? बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस, फॉर मेन स्पेसिफिकली, इवन फॉर लेडीज टूडे, इज your car. How many of you own a car over here? Or your family owns a car, your dad owns a car, your mom owns a car? Kitne log hai? Mere paas hai. Aur? Hai? Gaadi hai? Kitni baar thoki hai gaadi aake? Ya kisi ne aake thoki hai aapki? Hai na? Have you gone to a roadside garage? Never? To waise chhod diya gaadi ko? Service center. Theek hai, done. सर्विस सेंटर गई है गाड़ी, पेंट होकर आई है वापस, गाड़ी पक्का ही है, आपने वो गाड़ी को अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में देखा है,
आज जरूर जाके देखिएगा, ठीक है ना. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, यू हैव अ कार, द कार इज बैंड, यू गो टू द गैरेज, मे बी द ऑथराइज सेंटर और एनीबडी एल्स. वो क्या करते हैं, सर ये पूरा डोर को ही पेंट करना पड़ेगा. ठीक है, कर दो, 5,000 जो भी चार्ज है कर दिया आपने, डोर को चकाचक पेंट करते हैं आपको. सर आप 4, 4:30, 5 बजे जाते हैं डिलीवरी के लिए, मास्क दिखता है गाड़ी चकाचक, आप बड़े खुश हो जाते हैं, क्या पेंट किया यार, किधर एक स्क्रैच नहीं दिख रहा गाड़ी के ऊपर, बढ़िया है, वेरी गुड. यू टेक द कार, कम बैक होम, बिल्डिंग में लगा दिया आपने, ठीक है ना. बिल्डिंग में येलो लाइट लगते हैं, येलो लाइट, अब तो व्हाइट लाइट लगते हैं, येलो लाइट लगते हैं. येलो लाइट लगाया, आप खड़े गाड़ी के पास बता रहे, देखो कितना बढ़िया हो गया, द डोर एंड द अदर बॉडी जस्ट डजंट मैच, दे लुक डिफरेंट. हैव यू सीन दिस? काफी बार ये डेलाइट में भी वैसे ही दिखता है, काफी बार. दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, नॉट ओनली इन दैट मार्केट, पर हमारे प्रिंटिंग मार्केट में भी ये बहुत प्रेविलेंट है. आप काफी बार ये चीज दिखेंगे आप. दिस फंडामेंटल इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या? वंस आई विल गिव यू दैट वर्ड, मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म इज बेसिकली अ फिनोमिनन, एक फिनोमिनन है जहां पे आपका एक स्टैंडर्ड और सैंपल एक लाइटिंग कंडीशन में पास दिखता है, और जब आप दूसरे लाइटिंग कंडीशन में उसी स्टैंडर्ड और सैंपल को लेके जाते हैं तो वहां पे वो फेल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म एंड इट्स वेरी कॉमन इन आवर इंडस्ट्री, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज टेक्सटाइल, पेंट्स, प्लास्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रिंटिंग, आप कोई भी इंडस्ट्री लीजिए जहां पे कलर इन्वॉल्व है, मेटामेरिज्म इज वेरी मच देयर. और हमारी जो मेटामेरिज्म होती है, ये फिनोमेनन, ये होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड. एग्जांपल, आपकी कार जब बनी तो फैक्ट्री में बनी, ठीक है ना, वो जो पेंट यूज होता है और उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग होता है. और जब भी आप उसको रीफिनिशिंग के लिए जाते हैं, जैसे आप पूरा डोर पेंट कर लिया, दैट्स कॉल्ड एज रीफिनिश, बिकॉज इट्स रीफिनिशिंग द डोर और द बम्पर. अब ये जो पेंट होता है ये अलग होता है, ये जो पेंट होता है ना ये बहुत फास्ट ड्राइंग पेंट होता है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं ना ये अलग होते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ द टू इंग्रेडिएंट्स बीइंग मिसमैच्ड एंड देयर ग्राफ्स बीइंग डिफरेंट, दे लुक डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस. इट्स समथिंग लाइक दिस. अगर वही, अगर वो जो फैक्ट्री में जो पेंट यूज किया था अगर वही लगाया होता ना, और अगर दोनों को आपने मेजर किया होता, डोर एंड द बॉडी, तो जो ग्राफ आपको दिखता, ग्राफ, वो कुछ ऐसे दिखता, एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, नॉट क्रॉसिंग ईच अदर. ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगली बार कभी आपको ऐसे सैंपल आता है और आपके पास कहीं इंस्ट्रूमेंट है तो प्लीज इसको मेजर करके जरूर देखिएगा, ये आपको 100% यही दिखेगा, आई कैन गारंटी इट. या टू कलर्स मैचिंग इन ऑल लाइट्स, यू विल फाइंड दैट, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. वेरी रेयर यू विल फाइंड दैट इट इज टचिंग द कर्व्स और दे आर एग्जैक्टली गोइंग ऑन ईच अदर. पर जब ये सिचुएशन आता है जहां पे आपका दोनों रॉ मटेरियल बहुत ही अलग है, तब इस टाइप के ग्राफ आते हैं जहां पे यू फाइंड दैट इट इज क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर एटलीस्ट 2 to 3 times. दिस 100% विल बी अ मेटामेरिक मैचिंग. दिस मैचिंग इज कॉल्ड एज आइसोमेरिक. आइसो सेम, आइसोमेरिक मैचिंग. दिस इज मेटामेरिक मैचिंग. क्लियर? द मोमेंट यू गेट अ सैंपल, कभी भी आपके पास कोई सैंपल आता है जो इस टाइप का आपको दिखता है, यार यहां तो पास दिख रहा है, यहां तो फेल दिख रहा है, अगर कहीं इंस्ट्रूमेंट है आजू बाजू में प्लीज उसको मेजर करो, और इंस्ट्रूमेंट में ग्राफ दिखता है आपको, प्लीज गो टू द ग्राफ पार्ट एंड चेक दिस, यू विल सी समथिंग लाइक दिस. क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉमन. नाउ आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेन. लेडीज बोलेंगे यार हमारा एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, आई विल मूव टू लेडीज.
यू गो एंड बाय अ ब्लाउज पीस एट अ सारी स्टोर, राइट? आप क्या शॉप के अंदर देखते हो ब्लाउज पीस का कपड़ा, या साड़ी या ब्लाउज लेके आप बाहर आते हो? आते हैं ना बाहर आप? क्यों आते हैं बाहर आप? आप अंदर क्यों नहीं देखते उसको? एग्जैक्टली, दैट्स मेटामेरिज्म. हम हर दिन ये करते हैं, बट हमने कभी सोचा नहीं कि उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं, बट दैट इज मेटामेरिज्म. आप वहां पे नहीं देखते बिकॉज आप जानते हो कि वो लाइट अलग है, वहां पे वो शायद पास दिखेगा, पर जब डे लाइट में आते हो ना, वही ब्लाउज पीस आपको शायद दिखता है, यार ये तो मैच नहीं हो रहा है. सो यू कॉल फॉर अनदर शेड. दिस इज मेटामेरिज्म. क्लियर? एब्सोल्यूट क्लियर? नहीं आवाज आ रहा है यार, कोई फायदा ही नहीं है. थैंक्स यार. सेम एग्जाम्पल आई गेव, एंड इट ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ एवरी लाइट सोर्स. एवरी लाइट सोर्स, याद है आपको मैंने दिखाया था इल्यूमिनेंट, ए बी सी डी 65 डी 75 इल्यूमिनेंट. हर इल्यूमिनेंट का जो ग्राफ होता है ना, वो अलग होता है. देयर कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट, द कंटेंट ऑफ लाइट इज डिफरेंट. सो दैट ऑल्सो एड्स टू योर मेटामेरिज्म. यहां तक क्लियर? एकदम बेसिक्स. डेंसिटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर इट. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, डेंसिटोमीटर, एज आई मेंशन, देयर आर रेंज ऑफ देम अवेलेबल इन द मार्केट. आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू ओवर हियर. अ वेरी कॉमनली यूज्ड मॉडल टुडे इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज अ मॉडल एग्जैक्ट. द नेम ऑफ द मॉडल इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट. दिस मॉडल इज बेसिकली एक स्पेक्ट्रो डेंसिटोमीटर है. ये टच स्क्रीन बेस्ड स्पेक्ट्रो डेंसिटोमीटर है, बिकॉज नाउ इट्स टच. Touch times today, yeah. Everything goes on touch. So the instrument be touch based. Hai. Aap, you can feel the instrument. It's here over here. Aap aayenge to please dekhiyega usko. It works on a touch, normally like a mobile. Jaise hi kaam karta hai. Ye instrument spectro densitometer hai. So it will measure your density, dot gain, trapping, gray balance, LAB, LCH, delta E, plus a lot of other parameters like whiteness index. Can anybody guess what is whiteness index? How much time? More? I was like, 10 minutes le la. Okay, perfect. I'm sorry, I'm pulling a bit more. 10 more minutes, we'll finish this off, okay? Any guess what is whiteness index? Whiteness index. What is whiteness index? Any guess? Yaar, koi to guess maro. Most of your guesses have been right. Yaar, I appreciate it. Substrate color, yes. Whiteness index. Whiteness index. Right? Whiteness index. Let me reframe it again for you. What do you think whiteness index is used for? Which color? Gray, okay, fine. What do you think whiteness index is used for? Which color? Whiteness index. Quick. I heard one answer, gray. Something else? Who said white? Yaar, aap to jante ho yaar, aap kyun bolte ho? A simple answer is white, yaar. Whiteness index. Index of white. It is used to measure white. You cannot measure a gray, pink, blue, purple, black. You cannot measure it. It is an index to measure the whiteness of your white. Very popularly used by all these companies who make these optical brightening agents. Ala, Ujala, Unilever, Procter & Gamble. I'm talking about the textile part of it. They use this day in and day out. They want to check, bas, ye mera white hai. Maine मेजर कर लिया, व्हाइटनेस इंडेक्स आ गया 80. आई पुट 0.1 ml ऑफ ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, व्हाइटनेस इंडेक्स 82. आई पुट 0.5 ml ऑफ ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, व्हाइटनेस 95. दैट्स माय प्रोडक्ट. सो व्हाइटनेस इंडेक्स टेल्स यू द एक्सटेंट ऑफ व्हाइट. नॉर्मली ये वैल्यू भी 100 के नीचे होती है, बट इट कैन ऑल्सो गो वेरी हाई
बहुत ऊपर भी जाता है ये वैल्यू अगर उसके अंदर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट हो तो, बिकॉज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट जैसे मैंने पहले भी बताया था एल वैल्यू में वो व्हाइटनेस को ऐड कर देता है, सो आपकी वैल्यू 120, 125, 150 भी जा सकती है, दैट्स हाउ दे कॉम्पीट। तो यूनिलीवर क्या करता है, एग्जाम्पल नॉट यूनिलीवर पर से बट डोंट मिसकोट मी, एक्स कंपनी बाइस वो वाई कंपनी का प्रोडक्ट लेता है, उसको टेस्ट करता है, उसकी वाइडनेस कितनी आती है मैक्सिमम एज पर रिकमेंडेशन 128, परफेक्ट मैं 135 करूंगा। दे मेक अ प्रोडक्ट विच एडेड इन द सेम क्वांटिटी गिव्स देम अ वाइडनेस ऑफ 135 एंड देन दे से दे आर द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, सो दे यूज समथिंग एज वाइटनेस इंडेक्स। फॉर अस वी विल मेजर द वाइटनेस इंडेक्स ऑफ द पेपर दैट वी प्रिंट ऑन, बिकॉज लॉट टू लॉट इफ यू गेट अ बिग डिफरेंस ऑफ वाइटनेस इन पेपर माई होल प्रिंटिंग प्रोसेस, नॉट द प्रोसेस पर से बट द होल प्रिंटिंग थॉट प्रोसेस चेंजेस, मेरे फिर सारे डेंसिटी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं फिर। तो हमारे लिए वाइटनेस विल बी विद रिस्पेक्ट टू द वाइटनेस ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, जैसे ओपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, मे बी वी कैन टॉक इन पर्सन व्हेन वी मीट, बट अगेन स्ट्रेंथ एंड ओपेसिटी आर अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, जो आप स्पेक्ट्रोडेंसिटोमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां पे सिर्फ दो चीजें देखते हैं नॉर्मली, मतलब बाकी और काफी चीजें होती है, ट्रैपिंग होता है, ग्रे बैलेंस होता है, बट एक जनरल ऑन अ प्रेस अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है फास्ट पेस में, तो ये दो पैरामीटर काफी होते हैं आपको प्रेस को कंट्रोल करने में। जैसे मैं देख रहा हूं सर है, ऑपरेटर है, वो तो पक्का बता सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। नॉर्मली डेंसिटी और डॉट गेन होता है जो कंट्रोल होता है प्रेस के ऊपर, बहुत कम लोग ट्रैपिंग भी देखते हैं, ग्रे बैलेंस भी देखते हैं। ग्रे बैलेंस अब थोड़ा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रे, बट डेंसिटी डॉट गेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। सो आप